हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन और आपका स्वागत करता हूँ एक नए व्लॉग में। वैसे पहला व्लॉग तो पहला व्लॉग में, ठीक है। आज कहीं जा रहे हैं हम लोग हॉन्टेड प्लेस पे, और उस जगह का नाम है राजा सुबोध मलिक पैलेस। ऐसे कैमरा नहीं घूमता क्या? ठीक है गाइस, अभी दमदम में हूँ, ट्रेन पकड़ के फिर आपसे बात करता हूँ। गाइस, जिस हॉन्टेड बिल्डिंग में अभी हम लोग जा रहे हैं, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था और स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे बंगाल के, उन लोग का सबका वहाँ पे मीटिंग हुआ करता था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। तो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं टिकट लेने के लिए, और टिकट का काउंटर जो है वो है यहाँ पर ऊपर पर, हम लोग खड़े थे वहाँ पर। हेलो गाइस, अब हमने ट्रेन पकड़ लिया। मैंने कहा था मैं आपसे ट्रेन पकड़ के बात करूँगा, ये देखिए आपसे उतर के बात करता हूँ। गाइस, अभी हम लोग जो है अपने डेस्टिनेशन प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, मतलब सियालदा, और यहाँ पर वाटरफॉल्स है गाइस, और ये वाटरफॉल्स। गाइस, हम लोग स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं पीछे सियालदा स्टेशन। बहुत खुशी हो रही है गाइस, बहुत खुशी हो रही है इतने धूप में हमें बाहर आके। अपनी खुशी को जाहिर कर दीजिए, बहुत बढ़िया। गाइस, यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट की शूटिंग चल रही है हमारे पीछे। अब मैं कैमरा बंद करना पड़ेगा, वरना वो एक्टर्स ये हम, और यहाँ हमारी कुटाई शुरू हो जाएगी। गाइस, अब हम लोग पहुँच गए एक ऐसे जगह जहाँ से भूत को उनके कपड़े भेजे जाते हैं। भूत को सारे कपड़े उनके यहीं से जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं यहाँ पे। जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं वो जगह सच में भूतिया है कि नहीं। हाँ, चूतिया मेरे साथ ही है, लेकिन देखना है भूतिया वहाँ पे है कि नहीं। हेलो गाइस, हम जहाँ पे जा रहे थे जो हॉन्टेड प्लेस है, वो हॉन्टेड प्लेस आ गया है। मेरे पीछे आप जो दरवाज़ा देख सकते हैं, ये वही है। अंदर जाने का ट्राई करते हैं, अंदर गार्ड बैठा हुआ है, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब हमें परमिशन मिल गया था, वरना आप समझिएगा हमें परमिशन नहीं मिला। देखेंगे नहीं वीडियो तो समझने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। तो गाइस, हम लोगों ने अभी सारे गार्ड से बात किया, उन्होंने अंदर जाने के लिए हमें अलाउ नहीं किया। अब हमें यहाँ पे 40 मिनट वेट करना पड़ेगा, 40 मिनट बाद हमें वापस उनके पास जाके उनसे बात करना पड़ेगा। उन्होंने कहा 40 मिनट बाद आने के लिए, अभी तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं किया। हमने पूरी कोशिश की अपनी, पर देखते हैं 40 मिनट बाद क्या होता है। गाइस, अभी 40 मिनट हो गए हैं, अब हम लोग वापस अंदर जाने वाले हैं, देखते हैं कि इस बार हमें एंट्री मिलता है कि नहीं मिलता। हमने जो है एक फेक नोटिस ही बनाया है कॉलेज की तरफ से, देखते हैं जुगाड़ काम आता है कि नहीं। तो गाइस, काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है हमें अंदर आने का परमिशन मिल गया है, पर फिर भी हमें इस बिल्डिंग के पूरे अंदर जाने का परमिशन नहीं मिला है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है बहुत वीक हो गया है, बहुत पहले का बना हुआ है, ये कभी भी टूट के गिर सकता है। इसलिए हमें पूरा अंदर जाने का परमिशन अभी भी नहीं मिला है। हम लोग बाहर से आपको दिखा सकते हैं कि ये बिल्डिंग का कंडीशन क्या है और क्या नहीं है। और गाइस, इसके पीछे कहानी ये है कि हमने सुना है कि इसके आसपास जितने भी पेड़ हैं, पता नहीं मेरे को फेक लगता है, पर सब बोलते हैं जितने भी पेड़ हैं वो इंसान को खींचते हैं अपनी तरफ। पता नहीं ये कितना सच है, मेरे को नहीं लगता, पर फिर भी ठीक है, आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ के सारे लोकेशन। गाइस, यहाँ पे जो एंट्री है वो यहाँ से ही है, और बहुत ही ज़्यादा इसका जो है कंडीशन ख़राब है गाइस। पता नहीं कैमरे में कितना समझ आ रहे हैं, पर सच में तो लग रहा है कि जो बिल्डिंग है कभी भी टूट के जो है गिर सकता है।
तो अंदर जाना तो सच में सेफ नहीं है, मेरे को नहीं लगता भूत वूत का कोई चक्कर है, लेकिन हाँ बिल्डिंग का कंडीशन ख़राब है, बस इसीलिए ये जगह पे रिस्ट्रिक्शन है। गाइस हमने पूरा जगह को एक्सप्लोर कर लिया है बाहर से जितना हमें करना था, अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। ये जगह वैसे देखने में काफ़ी ख़तरनाक थी, हम ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये जगह अभी भी जो है काफ़ी हॉन्टेड, मतलब देख के लगता है ऐसे लोगों ने इसे ज़्यादा हॉन्टेड बना दिया है, पर ऐसा कुछ भूत वूत का चक्कर है नहीं, क्योंकि ये लोग जो गार्ड साहब के पीछे दिख रहे हैं वो लोग यहाँ रहते ही हैं। गाइस आप देख सकते हैं बाहर से इस बिल्डिंग का क्या कंडीशन है, बाहर से आप इस बिल्डिंग को देख के आप समझ जाएंगे कि हम अंदर क्यों नहीं जा सके, मतलब इतना बुरा कंडीशन है, कहीं से भी टूट जा रहा है यार। तो बाहर से ये बिल्डिंग कुछ ऐसा दिखता है। तो यार बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। सॉरी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और मैंने आपसे कभी भी अपने चैनल पे किसी भी वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।